साथियों नमस्कार। आज हम बात करेंगे भाई सऊदी अरबिया से रिलेटेड। आपको पता है सऊदी अरबिया में मैंने एक सुबह ही एक वीडियो डाला था कि बद्दू लोगों की गुंडागर्दी, मान लीजिए अग्रीमेंट खत्म होने के बाद भी इंडियन वर्कर्स को घर नहीं भेजते, उनका शोषण होता है। जी हाँ साथियों, एक वीडियो में आप लोगों के साथ और शेयर करूंगा। भाई आप जो लोगों से हाथ जोड़ के मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि जो भी इस बंदे के आसपास में है, ये रियाद अल खैनी आपका कोई वहाँ पे एरिया है, वहाँ पे ये बंदा है। 29 महीने इसको हो गए वहाँ पे काम करते हुए, जबकि आपको पता है अग्रीमेंट 2 साल का होता है, सऊदी गवर्नमेंट का 2 साल का अग्रीमेंट होता है। और ये इतने गंदे, गुस्सा गाली तो नहीं दे सकता, लेकिन इतने गंदे होते हैं ये लोग कि लोगों पता नहीं, मजदूर आदमी को ये अपने बाप का नौकर समझते हैं। ये नौकर तो चलो समझे हैं, लेकिन ये पैरों की जूती समझने लग गए, वो गलत है। यानी अग्रीमेंट खत्म हो गया, बंदा घर आने के लिए बोलता है तो मारना पीटना, गंदगी साफ करवाना, पता नहीं इस बंदे के साथ क्या क्या अत्याचार हो रहा है। आपको पता है वीडियो बहुत ज़्यादा आते हैं तो मैं नहीं डाल पाता। ये 11 जून का वीडियो है मेरे पास। अभी रात को फिर मेरे पास रिक्वेस्ट आई, किसी कोई बंदे ने मुझे बोला सर आप प्लीज़ इसकी हेल्प करें। तो भाई देखिए, मैं तो हेल्प सऊदी जा नहीं सकता इनकी हेल्प करने के लिए। आप इनके आसपास में हो और एक मजदूर आदमी ही मजदूर आदमी का दर्द समझ सकता है, तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है, रियाद में जो भाई पास में है वीडियो देख रहे हैं, प्लीज़ इनकी हेल्प करें। ये यूपी प्रयागराज से है, दिनेश नाम है। वीडियो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा। यार ये गरीब बंदे होते हैं, शक्ल से देखिए कितनी ये क्या कर लेंगे बताइए। अगर तेज तरार बंदा होता है तो पिछवाड़े में हाथ डाल के उंदा पटक लेता है, अगर वैसे नहीं तो कानूनन पटक लेता है, लेकिन मजदूर आदमी है। यानी इसको मारने की वजह से हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़ा, इसकी मेडिकल रिपोर्ट भी है चोट खाने की। पुलिस में जाते हैं तो पुलिस इसकी हेल्प नहीं करती। पासपोर्ट इसका अरबी के पास पड़ा है, बद्दू के पास में, जबकि सऊदी गवर्नमेंट ने नियम बना रखा है कि भाई पासपोर्ट वर्कर के पास होना चाहिए, नहीं अगर 5,000 रियाल का जुर्माना लगेगा, ये आप लोगों को पता होगा। लेकिन फिर भी आप लोगों की अज्ञानता की वजह से, आपकी मजबूरियों की वजह से वो लोग फायदा उठाते हैं, पासपोर्ट अपने पास रख के आपको कंट्रोल में रखते हैं। 24 मंथ का अग्रीमेंट खत्म होने के बाद सेम डे आप वहां से आ सकते हो आराम से, लेकिन इस बंदे को घर नहीं आने दिया जा रहा है, मारना पीटना, मेडिकल रिपोर्ट भी साथ में है। मैं कोई हवाबाजी बात नहीं कर रहा हूं, मारने की मेडिकल रिपोर्ट पुलिस में गया, पुलिस ने इसको वापस उसी के पास भेज दिया। यानी पुलिस भी हरामी इसको बोल सकते हैं। सऊदी का कानून अच्छा होने से क्या हुआ भाई, सब जगह गलत तो होता ही है, ये मान के चलिए, मैंने बढ़ाई भी करी थी, अच्छी बात है। लेकिन अगर हमारे लोगों की वहां की पुलिस सुनवाई नहीं करेगी तो उससे बड़ी हरामी पुलिस सऊदी की हम तो मानेंगे ना। तो आप प्लीज़ इसकी हेल्प करें। इसका व्हाट्सअप नंबर, उसका मोबाइल नंबर मैं साथ में दे रहा हूँ, और ये वीडियो आज ही मैं सेंड करूँगा। वीडियो देखकर प्लीज़ इस भाई की हेल्प करें और मुझे बताएं कि इसकी हेल्प हुई है। आपसे हाथ जोड़ के मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ भाई, किसी गरीब का भला कर दो। आप लोकल में बैठे हो, आप नहीं करेंगे, इंडियन लोग ही इंडियन की हेल्प नहीं करेगा तो भाई कौन करेगा फिर, वो तो नहीं करेंगे। उनके लिए तो आप मजदूर हो, आप ये माइंड में बिठा लेना, आप सिर्फ उनका नौकर हो, आप मजदूर हो, जितने दिन काम करोगे तनख्वाह दे देंगे, फिर बोलेंगे भाग यहाँ से। इतनी ही औकात है दूसरे देशों में हमारे लोगों की, तो आप अपने इंडियन भाई को भाई मानते हुए प्लीज़ इसकी हेल्प करें। वीडियो देखने के बाद उम्मीद करूँगा आपसे कि जल्द इसका रिस्पॉन्स मुझे पॉजिटिव मिलेगा। जय हिंद, वीडियो देखिए। भाइयों नमस्ते, मेरा नाम दिनेश कुमार है, मैं यूपी प्रयागराज से हूँ, और 8 फरवरी 2018 को मैं सऊदी के रियाद अल खैनी एरिया में घर खाते में ड्राइवरी के लिए आया, और जब आया तभी मेरा कपिल मेरा पासपोर्ट ले लिया, उसके बाद बोला ड्यूटी करो, मैं ड्यूटी कर रहा हूँ। ये मुझको 29 महीने हो गए भाइयों, और मुझे छुट्टी नहीं दे रहा है। छुट्टी के लिए बोला तो कहता है एग्रीमेंट खलास करो उसके बाद जाओ। एग्रीमेंट ख़त्म हो गया, ये मुझको 29 महीने हो गया, मुझको छुट्टी नहीं दे रहा है, और मारता पीटता भी है भाइयों। मैं पुलिस के पास भी गया, न मेरी मदद पुलिस वाले किए न एमबीसी वाले। भाइयों इस वीडियो को इतना शेयर करो कि ये माननीय मुख्यमंत्री योगी जी और माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी तक ये वीडियो पहुंच जाए, और निवेदन करते हैं कि हमें जल्द से जल्द यहाँ से निकालने की कोशिश करें। मैं बहुत परेशान हूँ, मेरे कपिल का नाम हज्जाम है।
धन्यवाद, जय हिंद, वंदे मातरम।